हेलो गाइस, और जैसा कि आप दोस्तों को पता ही है कि अभी अभी जेई मेन का जो रिजल्ट आया है और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो उनकी रैंक रहेगी वो क्या रहेगी, जेई मेन में जो उनके परसेंटाइल आए उस बेसिस पर उनकी क्या रैंक होनी चाहिए। तो हम एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आप किस प्रकार से अपनी रैंक देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस यहाँ पे क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के 97.96 परसेंटाइल है तो क्या ये एक अच्छा परसेंटाइल है और क्या उसकी रैंक क्या रहेगी उस बच्चे की। तो वैसे तो बहुत हार्ड है प्रेडिक्ट करना कि क्या रैंक रहेगी, पर जो 97.96 परसेंटाइल है हमको ये इंडिकेट करता है कि वो जो एक जो बच्चा है वो जो एवरेज है 97.960 स्टूडेंट्स जो है उसके पीछे है एक्चुअल में, मतलब कि इतने बच्चे उसके पीछे है। तो एक्चुअल में उसकी जो रैंक आएगी वो 20,000 आ सकती है इन द ओवरऑल जेई मेन 2019। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपका आपको जो परसेंटाइल आया है वो इंडिकेट करता है कि आपने कितने बच्चों को बीट करा है और आप कितने बच्चों से आगे हो। तो आप ये एग्जांपल से समझ सकते हो, क्योंकि जो 10 लाख स्टूडेंट, अगर हम माने कि 10 लाख स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, तो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करा है और एक अप्रॉक्सीमेटली आप अगर इतना परसेंटाइल आ रहा है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपकी 20 रैंक आएगी। और ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल दिया जिसमें कि अगर हम अज्यूम, जैसे कि ये तो हमने हमने एक डाटा लिया है कि हमने जो फॉर्मूला है जिससे कि आप अपनी जो रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं वो ये है कि 100 माइनस योर टोटल स्कोर। तो 100 माइनस योर फॉर फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल स्कोर आ रहा है वो 80 आ रहा है, तो आप 100 माइनस 80 करेंगे तो 100 माइनस योर टोटल स्कोर अपॉन, फिर आप इंटू करेंगे 874469 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो ये जो आएगी आपकी एक तरह से रैंक इंडिकेट करेगा, क्योंकि करीबन 8 लाख स्टूडेंट्स ने एक्चुअल में अभी जेई में दिया है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं फैक्ट्स के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि 8 लाख स्टूडेंट्स ने अभी एग्जाम दिया है। तो इस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। और हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो जेई में का अप्रैल सेशन होने वाला है उसमें 40 लाख स्टूडेंट्स देंगे, तो आप उसके हिसाब से भी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग द सेम फॉर्मूला, दैट 100 माइनस योर टोटल स्कोर अपॉन 14 लाख, नहीं इंटू 14 लाख अपॉन अपॉन में 100 है। तो आप ये फॉर्मूला लगा के अपनी रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपके 90 एंड अबव परसेंटाइल है तो आपको एक बढ़िया सा अच्छा सा आईआईटी कॉलेज तो मिल ही जाएगा। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो इसके लिए आपको कम से कम 85 या फिर 80 के आसपास परसेंटाइल लेना मस्ट है। और आपको इससे अगर कम परसेंटाइल है तो आप थोड़ा गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा कम ही सोचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। अगर डिपेंड भी करता है कि कैटेगरी क्या रहेगी आपकी, कैटेगरी वाइज भी आप 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मिनिमम 80% तो रिक्वायर्ड है अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो ये मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स पे पढ़ा है और अभी बहुत सारे लोगों से बात करके मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ काफ़ी बड़े प्रोफेसर से। तो यही है मेरा एक आइडिया कि अगर आपकी 95% के आसपास है तो आपकी 20,000 रैंक लग सकती है। और ये एक शॉर्ट वीडियो था, तो इसके लिए थैंक यू। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं अभी आपका काउंसलिंग के साथ में रहूँगा और इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।